हाँ ठीक है, जोर से गया ना, खाली बस खाली वही दो लाइन, बस एक दो लाइन खाली बस, हाँ बस वही खाली, मतलब मेन का मतलब मुखड़ा, खाली मुखड़वा मुखड़ा जी। अच्छा बोला मैंने दूसरे की बोला कौन बताओ जान बताओ तुम बोली क्यों नहीं छोड़ल चाहे गावा ना, बढ़िया बात है। अच्छा हाँ, यस नहीं छोड़ल चाहे घरवा दुआरवा, एक दिन जमीन पड़ल छोड़ ही अब इसी बढ़िया बात अच्छी बढ़िया है बस ठीक है टेक करते हैं है ना सब ही कहा केहू नहीं छोड़ल चाहे जनवा परन सब ही के प्यारा होला जनवा परनवा, फिर भी शरीर पड़ल छोड़ ही के। ओके इतने ले लो रुक जाए पटाइए ना, नहीं बताएंगे बताएंगे हाथ ऊपर करें रोल रोल, हाँ उठाइए उठा लगा वन टू थ्री फोर। सब ही के प्यारा होला जनवा परनवा, सब ही के प्यारा होला जनवा परनवा, फिर भी शरीर पड़ल छोड़ ही के। केहू नहीं छोड़ल चाहे भैया जहनवा, केहू नहीं छोड़ल चाहे भैया जहनवा, एक दिन जमीन पड़ल छोड़ ही के। okay. भैया जहनवा एक दिन जमीन पड़ल छोड़ ही के, सब ही के प्यारा होला जनवा परनवा, फिर भी शरीर पड़ल छोड़ ही के। ठीक है ठीक है ठीक है, हिलत रहे जुड़े बताओ थी यार। Thank you.
हाँ बोलिए रोल जी। सर्वप्रथम हम गीतकार प्यारे लाल यादव, भोजपुरिया दर्शक श्रोता भाई लोग के बार बार सत सत प्रणाम करतानी, अरुआ लोग से आशीर्वाद के कामना करतानी। आज ऐजा का हो रहा है, सिंगर के बारे में बताएं। आज ये MG स्टूडियो में जेकर प्रोप्राइटर, जेकर मैनेजमेंट, जेकर प्रोडक्ट जहाँ से बनला तैयार होला, ओकर मालिक हुआ मनोज गाजीपुरी, जो हमार बहुत बड़ा दोस्त हुआ, हमार शिष्य भी हुआ, हमार साथी भी हुआ। यहाँ आज एक विरहा का गायिका उजाला यादव के एक गीत का, जो के फिल्म का नाम है प्रोडक्शन नंबर 1, उनमें एक गीत का हम उनके रिहर्सल के नहीं हजा, जौन गीत रोमांटिक है, फिल्म में हीरो हीरोइन के बीच में रोमांटिक गाना होता, तो फीमेल पार्ट जो है तो उजाला यादव के गावे के है, वही का रिहर्सल शुरू करनी है जा मनोज भाई के सानिध्य में, और कोशिश कर लीजिए कि गाना बहुत अच्छा हो, पब्लिक एक बहुत पसंद करे। उजाला जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? उजाला यादव आजमगढ़ का एक बहुत अच्छी और बहुत सुरीली और एक कर्मठ मेहनती गायिका हैं, जिनके बाप का नाम है मुन्नी लाल यादव, ग्राम बुद्धसेनपुर, जिला आजमगढ़, और ये बहुत अच्छा गाना गावेली, बहुत अच्छा इनका लेक्चरशिप है। पब्लिक में बनारस पूर्वांचल के जौन 10, 11, 12, 15 जिला है, वो जिला में भोजपुरी बिरहा के नाम पर अगर लहल जाए तो मैं उजाला नाम, उजाला यादव का नाम कभी भी अछूता ना है। ये बात कर जाओ जैसे कि दिनेश लाल यादव ने रहुआ जी अपने आप में एक मिसाल काम के लिए बने, भारतीय से सम्मानित भी कल गए, तो उनकर फिल्म रिलीज हुई बा आशिक हमारा, तो उनमें कई गो गीत बा जो उनकी आपके लिखल बा और बड़ा पब्लिक के पसंद आवता, हम चाहब दो लाइन वो गाना गुनगुना दी। आशिक हमारा का डायरेक्टर सर्वप्रथम तो हम अपने छोट भाई के एस भारती पौले पर, जौन अखिलेश सरकार सपा सरकार दिले बा, हम उस सरकार का शुक्रगुजार हैं, अपने भाई लोगों का शुक्रगुजार हैं जे वो हमारे भाई के वो मुकाम पर पहुँचौले बा, तो बार बार अभिवादन करब। और आशिक हमारा फिल्म के सतीश जैन बहुत अच्छा बनौले बानी, उनमें एक सिचुएशन बा कि एक ही मर्द के ऊपर दो औरत हैं, और दोनों औरत जो है प्यार करत हैं, और दोनों औरत अपने अपने तरीके से मर्द के बोलत हैं कि तू सब कुछ दे दो लेकिन एक चीज़ उसको मत देना, झुमका झूलनिया चाहे, झुमका झूलनिया चाहे कमर कर धनिया पयजानिया के ना, झुमका झूलनिया चाहे कमर कर धनिया वही ठगिनिया के ना, दिलवा दीहा जिने राजा सवतीनिया के ना। तो दूसरी वाली बोलेगी, गरवा कहार चाहे कूली माला मनिया कुल छीनिया के ना, सगरो खजाना का बना दा मलकिनिया वही बजीनिया के ना, दिलवा दीहा जिने राजा सवतीनिया के ना। ओके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं दर्शक लोग से। सर्वप्रथम हम गायिका उजाला यादव,
यूपी आजमगढ़ के धरती से चल के आल बनी, दर्शक भाई लोगन के पाँव छू के प्रणाम करत बनी जी। आज बता जा, आज यहाँ जा अभी गाना रिहर्सल भइल का कह चाह जो एमजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बड़े भाई मनोज गाजीपुरी जो इस स्टूडियो के मालिक हैं उनकी देखरेख में जो ये फिल्म एक प्रोडक्शन आने वाला है उसमें एक गाना है, हम लोग आज रिहर्सल किए हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दर्शक भाई से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग उसको जरूर लाइक करेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए जी। बात करें आप गायकी के क्षेत्र में तो कब से आपने गाना शुरुआत किया है? 7-8 साल पहले। तो गायकी पूरी तरह पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है कि सिर्फ गायकी ही? नहीं, पढ़ाई चल रहा है। तो आशीर्वाद केकरा आशीर्वाद से शुरुआत भई लगा, आदर्श के कमाल कैसे हुई कि हम ये गाना गावे के बाद? हमारे पिताजी श्री मुन्नीलाल यादव जी वो भी गाते थे ना जी, तो उनका देख करके हमके भी बहुत अच्छा लगा। संगीत सर लाइन से बहुत लगाव है, खाना भूल जाती हूँ लेकिन संगीत नहीं भूलती हूँ। तो कभी पापा जी बोलते नहीं है कि बिरहा मत गाओ बेटी? हाँ, आगे पापा कुछ तो पहले कह रहे थे कि नहीं आप पढ़िए लिखिए कुछ और करिए, कई काम में देख लिखे मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा जी। तो अभी जब आप गाना गाने लगे पब्लिक के बीच में जाते हैं जो, तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। तो आगे का फ्यूचर अपन कहाँ कौन क्षेत्र में अपन फ्यूचर बनाना चाहते हैं? संगीत लाइन, कितना ऊंचाई पर चल जाओ यही मेरा सपना है। तो गाना गावे मतलब कौन कौन विधा में ज्यादा आपके गावे में पसंद बा? बिरह लोकगीत। अब जैसे शुरुआत भइल पिक्चर में भी गावे के तो? हाँ, तो भोजपुरी से भी लगाव है, भोजपुरी भी अच्छा लगता है सुनते हैं, गाने में भी अच्छा लगता है जी। तो जी, तो पापा जी कितना सहयोग करते हैं? पहले जैसे मना करते थे, अभी आप? तो बहुत करते हैं, बहुत हमेशा मतलब बराबर साथ में चलते हैं, बराबर हमेशा सहयोग करते हैं। प्यारेलाल कवि जी का कितना सहयोग मिला था? बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा। का कहे चाहे उनका? उन्हीं के आशीर्वाद से आज इतना ऊंचाई पर जी चल रहे हैं। तो उनका खातिर का चाहब आप? बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर पर उनका आशीर्वाद हमेशा बनल रहे जी। अब तक आप कितना गाना गा चुकल बानी? 50 गाना। अच्छा, तो इमें जैसे कि आपके कैसेट भी निकले ला सीडी का कि सिर्फ स्टेज पे ही प्रोग्राम देखे? स्टेज कार्यक्रम है, सिर्फ एक लोकगीत गाई हूँ, होली गीत है जो यूट्यूब पर लोग सर्च करेंगे दर्शक भाई लोग तो सुनने को मिलेगा, उजाला यादव खेला होलिया जो खेसारी लाल गाए थे, उनको म्यूजिक बहुत अच्छी लगी तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी एक लाइन लिख दीजिए, तो गुरुजी बहुत अच्छी लोकगीत लिखे जो होली के बारे में, बहुत अच्छा लगता है। तो दो लाइन हो जाए वो गाना। रंग लागो लाल से तू गोरे गोरे गलिया, रंग लागो लाल से तू गोरे गोरे गलिया, रंग ल चटक उठ ललिया हो खेला होलिया, खेला होलिया बाकी छुए नहीं देव या पंचोलिया हो खेला होलिया। बड़ा अच्छा गीत लागल। कमो ऐसा होला कि दिन में कोनो एक गीत ऐसा सुबह याद आ जाला दिन भर वही गुनगुनात रहला, ऐसे कोनो आपन मन पसंद लाइन गाना गा दे जी? गाँव गाँव काली माई घरे घरे शीतला हो, गाँव गाँव काली माई घरे घरे शीतला, नवरात्र के बेरा डरेली माई फेरा, नवरात्र के बेरा डरेली माई फेरा, देखा साँझ गईल गौआ सहरिया हो, दुबिया हरदिया लेके परिछाए साख, दुबिया हरदिया लेके परिछाए साखी, देवी माई आईले दुवरिया हो। बहुत अच्छा लगता है। दर्शक लोग से श्रोता लोग से क्या कहे चाह? चलत चलत सबको प्रणाम है, दर्शक भाई लोगों से प्रणाम है, बस आशीर्वाद रुगा लोग बनौले रही हमारा ऊपर कि हम कितने ऊंचाई तक चल जाए। कोई कलाकार बड़ा नहीं होता है, बड़ा लोग बनाते हैं दर्शक भाई लोग, मैं इसीलिए बार बार प्रणाम करती हूँ और निवेदन ही करती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए, मैं कितना ऊंचाई पर जाऊँ आप लोग सहयोग करिए। ओके, थैंक यू। फिर से।
मुन्नीलाल यादव, हमार घर आजमगढ़ बा, जिला आजमगढ़, निजामबाद नज़दीकी बाजार सेंटरवा है, और सेंटरवा के बगल में एक गांव बुद्ध सेनपुर, बढ़िया गांव हो, बढ़िया लोग हुए, वहाँ के लोग हुए, वहाँ के अगल बगल के लोग भी बढ़िया हुए, संगीत से बड़ा प्यार कर रहे हैं। हम बहुत बचपन में कक्षा 3 में पढ़त रही, तब से हमके थोड़ा थोड़ा संगीत का रुझान आई, हमके संगीत बहुत बढ़िया लगे, हम तबे से संगीत गावे लगली। अब फिर एक बार जो हो मजे के दिन ले अपन कार्यक्रम कैली, तो हम अपने मतलब गवैये कलाकारी में, गांव की कलाकारी में रह गई। जी जी, आपके बेटी उजाला यादव जी आज देश मतलब आपके गांव से लेके मुंबई के शहर तक और भी कई शहर में अपने प्रोग्राम कर रहा बड़ी का कहचा है। ऐसा नहीं कि उजाला गांव मतलब पूर्वांचल में, कलकत्ता, आपके बिहार, आजम मतलब यूपी, हरियाणा, दिल्ली उल्ली मतलब ये सब कार्यक्रम मतलब कैले ही हम साथ मिले के इनके कार्यक्रम करवाइला। जी जी, तो आज वो स्टेज पे गावत बानी कहीं के आपके परंपरा के आगे बढ़ावत बानी के का कह चाहब, कितना गर्व होता आप? हमके तो बहुत खुशी बा भैया कि माताजी अभी सब भाई लोग आशीर्वाद दें कि उजाला कितने ऊंचाई पर चल जाए, हमके यही से बहुत 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 खुशी है कि जितना ऊंचाई पर चल जाइए हम उतने संतुष्ट हैं। उजाला जब कहने कि पहले आप उनका विरोध करने गावे से मना करता, पहले हम भैया पहले विरोध करत रही का है, ऐसा ना कि मतलब अब जैसे हम है, अब अगर हमके कहीं भी जाए के हो देश विदेश प्रदेश तो हम सिंगर चल जाओ, लेकिन अगर उजाला जी के जाए करे तो एक बैसाखी की जरूरत है जरूर, जैसे एक आदमी का एक टांग टूट गई तो बैसाखी चाहिए ना, तो अब उजाला जी के साथ एक आदमी रह भी जरूरी है, चाहे हम हों या हमारे लड़के हों, तो इसलिए जो है कि साथ में रह, इसीलिए मैं सोचा कि उजाला जी क्या गाना गाएंगी, कोई दूसरा बिजनेस कर लें, कोई दूसरा काम करें, पढ़े लिख लें, नौकरी करें, नाम रोशन करें, लेकिन ये जो है कि बिरहा लाइन पर संगीत से जो है इतना जुड़ गई और हमको इतना मजबूर कर दी कि हमको किसी तरह से संगीत गवाइए। हमने कहा चलो भाई जब इसी बात है तुम उतर गई हो, तो ये बोले कहलें कि हमके दुनिया में अगर कुछ हो तो सिर्फ संगीत ही हो। जी जी, भाऊ जी आप गावेला हमके बहुत पसंद हो, ये लिए हमके कुछ भी दुनिया में हो तो आप और संगीत जी। बस आप जैसे कि आज भी गायकी करो थोन कि खाली वक्त? नहीं, हम तो अब गायकी ना करें, फिर उजाला जी के सहयोग में रहिला, फिर एक बात जो हो तो हम इनसे कहें कि उजाला जी जैसे आप जब हम गावत रहें तो आप कवि जी प्यारे लाल मान लीजिए हमारा गाना विजय लाल भाई भी सीख रहे थे तो भी उनसे गाना हमारा हुआ है, हमारे आजमगढ़ में गाना उनसे हुआ था, फिर हमने उजाला जी से यही कहा कि आप एक काम करें कि जैसे दिनेश लाल हैं, विजय लाल हैं और उनके गुरु प्यारे लाल हैं तो उनके परिवार में संगीत है तो हमारे भी परिवार में संगीत, इसी तरह से थी हमारे बड़े भाई एक चचेरा भाई थे मूरत यादव, अब तो स्वर्गीय हो गए, वो भी गाते थे, हमारे मामा स्वर्गीय हो गए जिनका मकान नानूपुर में है वो भी गाते थे, इसके बाद जो है तब फिर हम संगीत शुरू किए, अब हमारे बाद ये उजाला जी गा रही हैं। तो भैया आज तो हाँ हमने जो है कि तब उसी खानदान में फिर हमने सोचा कि फिर उसी खानदान में इनको भेजें और वहाँ से आज विकास होगा, तो हमको मान लीजिए आप कवि जी मिल गए प्यारे लाल जी तो इनका भी बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है और उजाला जी विकास के रास्ते पर चल रही हैं। तो चाहब कि दो लाइन आप भी कोनो अपन मनपसंद गाना सुना दी दस लोग गाना सुन जाइए जी। हमारा तो मन कहा था कि हम वह कोनो देखा कि ठीक हो सुनाई बसंत बसंत रे मोरी देहिया भइल बापी यारा हर धीरे मोरी देहिया भइल बा और आगे
और कोनो लाइन अपन दो लाइन सुना दी और बड़ा अच्छा लगा था आपके गाना सुन के। कहरवा दिमाग में नहीं आ रही है कोई कभी जी कोनो हिंट दी। गोरखपुर के गली गली में कि गोरखपुर की गली गली में चुड़िया रोज बिकाए गोरखपुर की गली गली में चुड़िया रोज बिकाए अरे पहिरन वाली पातारी कमरिया लपक जा जेकर बहिया रसीली चुड़िया चुभत जा जेकर बहिया रसीली चुड़िया चुभत जाए। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर शहर आजमगढ़ बसा टाम सा तीर नगरी उसी नदी के आसपास में दत्तात्र दुर्वासा जहाँ पर लगता चैत्र रामनवमी को खूब तमाशा खासा बसा निजामाबाद उसी के तीर नगरी। यही सब बस नहीं भैया अपने बारे में बताएं और अपने स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते प्रणाम। मनोज गाजीपुरी के तरफ से सारे लोगन के प्रणाम जी। बताएं आज आपके एमजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में बताएं और आज यहाँ पे का भइल है। आज हमारे स्टूडियो में माननीय श्री प्यारे लाल यादव कवि जी और आप सुपर स्टार गायिका आजमगढ़ की धरती से श्री उजाला यादव जी, माननीय उनके पिता श्री मुनीलाल यादव जी एमजी स्टूडियो में आए और एक तो फिल्म भोजपुरी बनता होकर गीत का तैयारी चलत ही है जिनमें हमारे स्टूडियो एमजी स्टूडियो में आज रिहर्सल तैयारी भई लिया। अब म्यूजिक कल से चालू हो जाए म्यूजिक बने उनमें बड़ी मेहनत से तैयारी करके गुरु श्री प्यारे लाल कवि जी बहुत 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 मेहनत है कवि जी का जो उजाले यादव जी के बहुत गवैयन के गवैलन मार्केट में आज कवि जी श्री प्यारे लाल यादव जी की अहम भूमिका समझा तैयारी जोर से जैसे विराह में वीर रस कल जला वही तरह वीर रस में अगर तैयारी छप के कहले हों कवि जी और उजाला यादव के भी मार्केट में ये 16 में सब जगह छप जाए चाहिए पेपर में इतना तैयारी है। उजाला जी के बारे में क्या कहना चाहोगे कैसे उजाला जी तो उनका माई बाप ऐसे उजाला में पैदा कर दिलों कि उजाला पूरा हर वक्त रही है वो चमकते रही हैं सितारा की तरह। हमन के गवैया चाहे कंपनी स्टूडियो वाले का बोली जेकरे पीछे सूर्य चाँद प्यारे लाल यादव लगल हों कवि जी ओके के रोक सकेला उजाला से तो हमेशा उजाले में रही हैं और उजाला उजाले रही हैं। दर्शक लोग से कहा गया आप जो कि एक अच्छा एक्टर भी बानी तो आपका एज ए एक्टर कौन कौन फिल्म आवे वाली बात है। अब एक्टर तो बहुत एल्बम कैली बहुत गौली कौन एक्टर टेक्टर बताई अब वहीं एक तो फिल्म आवत है तैयारी करत है जी दो दिल एक जान अब मार्केट में आ जाए लोगों से मुलाकात हुई नज़दीक होके अभी तो दूर दूर रहती जा जी जी हिंदी मूवी है उसके बाद भोजपुरी फिल्म है बम्बैया मेहरारू जी तो दो पिक्चर लगातार बा बाकी आप लोग सहयोगी मित्र भाई बंधु मीडिया सब लोग सहयोगी आप लोगों के कृपा से आशीर्वाद से पब्लिक के आशीर्वाद से हमनो के आगे बढ़े डालो और बढ़ावा लो धन्यवाद। थैंक यू से होल्ड करिए ना लाइट। हाँ होल्ड एक और एक हाँ भैया इधर देखिए मनोज भैया बस आए तो बट मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ अमेजिंग एक्सपीरियंस और अभी भी बहुत अच्छा